नमस्ते आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर में बायोफिजिकल टेक्निक्स रिलेटेड जो है सिलेबस, उसका सबसे पहला हम क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिससे मिक्सचर से, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से हम कंपाउंड आइसोलेट करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, करेक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि कैसा कलर है, कितना अमाउंट है। ये सब सारा जो है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है पूरे 1900 से स्टार्ट हो गई थी इसकी डिस्कवरी करना, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इनको जो है फादर ऑफ केमिस्ट्री क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, माइकल सेमियोनोविच टी स्वेट को फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इनके जन्म 1872 में इटली में हुआ था और 1919 में इनका देह रशिया में हुआ था। इनका माता जो थी वो इटली से थी और पिता जो था रशियन थे, और बाद में इनका माता जी तुरंत ही देह कर गया था, तो इनका पढ़ाई लिखाई जो है सो स्विट्जरलैंड जेनेवा आसपास हुआ। लेकिन फिर ये इनको पिताजी बोला अपने देश में आ जाओ, यहाँ सेवा दो। फिर ये अपने देश गए, लेकिन वहाँ पे इनका जो था ग्रीस से इधर के सर्टिफिकेट डिग्री रिकॉग्नाइज नहीं किया, वैलिड नहीं बताया। फिर ये रसिया में पढ़े, डिग्री लिए, फिर वहाँ पे एक सिंपल लैब असिस्टेंट से धीरे धीरे करके ये प्रोफेसर तक गए। और इन्होंने एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक की डिस्कवरी की। चूँकि इन्होंने जो पेपर उस समय पब्लिश किया था 1900 की बात है, तो उस समय रशियन में किया था तो ज़्यादा, और उस समय आपको पता ही है कितना कॉन्फ्लिक्ट था, World War I होने वाला था, उधर हिटलर भी थे, तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था आसपास के रीजन में। तो कई बार इन्होंने अपना यूनिवर्सिटी इधर से उधर भी किए, कई जब इनका बायोग्राफी आप पढ़ेंगे उस दौरान भी इन्होंने एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी किए। और इनमें इन्होंने जो है कैल्शियम कार्बोनेट स्टेशनरी फेज लिए, जो हम पैकिंग मटेरियल आजकल सील का लेते हैं, इन्होंने सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे और लीफ से पिगमेंट को आइसोलेट, क्लोरोफिल कैरेटिनॉइड, सबसे पहले जो कैरेटिनॉइड शब्द है इन्होंने ही कॉइन किया था, और क्लोरोफिल का डिस्कवरी इन्होंने ही की थी। लेकिन इनका काम रशियन में पब्लिश होने के कारण इनके दौरान तो कोई इनको पढ़ाई नहीं, रशियन लैंग्वेज था, ऊपर से इतना कॉन्फ्लिक्ट था, कोई पढ़ा नहीं, और World War I का भी था, तो इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। और जबकि इनको इनके मरने के 10 साल बाद रिचर्ड जोएन खून, डॉक्टर इडगार लेडरर, ये दो थे, ये जो हैं डॉक्टर लेडरर जो है इनका स्टूडेंट है रिचर्ड जॉन कून का, और इन दोनों ने टीस्वेट के काम को आगे बढ़ाया, रिकॉग्नाइज्ड करवाया। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ट्राई तो की थी उनके काम को करने का, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में वो सील का ले लिए कि वो क्लोरोफिल को ही क्रश कर दिया। लेकिन वही क्रोटोनियड कैरोटिनॉइड को डिस्कवरी करके, कैरेक्टराइज करके अच्छे से, एंड विटामिन के ऊपर में इनको जो है नोबेल प्राइज मिल गया। और वही इनका स्टूडेंट है ये, इन्होंने भी टीस्वेट के काम को बहुत बताया कि कितना यूजफुल है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, बायोलॉजिकल ट्रांसमिलेशन रिएक्शन, फिर हर जगह बताया, नेचुरल पिगमेंट का आइसोलेशन में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और पेप्टाइड्स के रिकॉग्नाइजेशन में, हर जगह बताया कि ये वैलिड है और इस मेथड से हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई करेक्टराइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता क्या है? ये होता है कि ये आप देख रहे हैं, इसमें स्टेशनरी फेज बनाया, कॉलम का वो फिल्ड किया गया, सील का आजकल यूज होता है, और उन्होंने उस समय में कैल्शियम कार्बोनेट लिया,
और ऊपर से जब हम सॉल्वेंट दे देते हैं और जब हम अपना मटेरियल इम्बीड करते हैं, जैसे मोबाइल मोबाइल फेज हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट मोबाइल फेज बना लेते हैं और अपना सैंपल देने के बाद उस मोबाइल फेज को ऊपर से देते हैं और एक प्रेशर के थ्रू आपका सेपरेट होता रहता है कंपाउंड। मान के चलिए ये मिक्सर ऑफ कंपाउंड है, ये आगे जाके देखिए दो एक्स और वाई फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है और जो इंटरेक्शन करने लगता है इस बीड से, इस कॉलम बीड से, वो थोड़ा डिले हो जाता है इसको नीचे आने में, बाहर एक्सट्रैक्ट होने में, और जो इससे इंटरेक्शन नहीं करता वो बाहर है। तो जो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल के हैं वो यही है कि इंटरेक्शन ऑफ कंपोनेंट विद द स्टेशनरी फेज, और इसी को सॉलिड स्टेशनरी फेज को एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं। मोबाइल फेज आइदर लिक्विड या गैस हो सकता है। तो ये एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी टी स्वेट ने डिस्कवर की थी, लेकिन उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए था, जबकि नोबेल प्राइज 1901 ईस्वी से शुरू हो गया था और चाहते थे इनको दे सकते थे, चूंकि ये रशियन थे इसलिए मेरे को लगता है इनको नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, फिर इन्हीं काम को आगे बढ़ते हुए एक नया दौर, 1952 की बात है। 1952 में ये दो केमिस्ट साइंटिस्ट आर्कर जॉन पोर्टर मार्टिन एंड रिचर्ड ल्यूरेंस मिलिंगटन सिंजे, इन दोनों को ज्वाइंटली नोबेल प्राइज दिया गया केमिस्ट्री में 1952 के ईस्वी में, और इन दोनों ने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की डिस्कवरी की। इनका प्लेट थ्योरी के नाम से बहुत उस समय प्रचलित हो गए थे। तो ये एक पब्लिश करते हैं जो नवंबर 1941 में रिसीव किया गया था, 42 में पब्लिश हुआ था, और 42 में इनके काम को फिर नोबेल प्राइज भी मिला, और इनका टाइटल था ए न्यू फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम एम्प्लॉइंग टू लिक्विड फेज, अ थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो डिटरमाइनेशन ऑफ द हायर मोनो अमाइनो एसिड इन प्रोटीन्स, और ये दो ऑथर्स थे और ये लोग काम करते थे विल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन टोरिंडोन एंड्रिंग हेडिंगले लीड्स, यूरोप में ही है, और वहाँ पे इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की यदि बात करें जिनकी इन्होंने डिस्कवरी की थी, उसमें अब बात आ गई, जैसे वहाँ पे था सॉलिड और लिक्विड, ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टाइप इन्होंने बोला कि लिक्विड लिक्विड में, जैसे पहले बोला कि जो वहाँ पे इंटरेक्शन होगा सॉलिड जो स्टेशनरी फेज है, ये बताए कि मोबाइल फेज में कितना या स्टेशनरी फेज में जो कंपाउंड हम आइसोलेट कर रहे हैं वो किस में ज़्यादा सॉल्युबल है। मान के चलिए मोबाइल फेज में ज़्यादा सॉल्युबल है जो हम ऊपर से इल्यूट के, जैसे ये देखिए ये आपका कॉलम हो गया, ये अमाइनो एसिड सॉल्यूशन है, ये क्लोरोफॉर्म है, और ये रेड डाई हो गया, और ये सीरीज ऑफ कलर बैंड फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट अमाइनो एसिड, ये उसके बेसिस पे जो मान के चलिए जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा मोबाइल फेज जल्दी इल्यूट हो जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा वो धीरे धीरे इल्यूट होगा। इन दिस टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू फेज ड्यू टू डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको केटी बोलते हैं, और वो क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज ए डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन फेज बी, उसको हम पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं। डिफरेंस ऑफ सॉल्यूट बिटवीन द टू फेज इज मोस्ट प्राइमरी बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी डिफरेंस, किसमें ज़्यादा सॉल्युबल होता है उसके बेसिस पे ये इल्यूट होगा। द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड एंड मोबाइल फेज इज आइदर और लिक्विड या गैस। तो ये आप पार्टीशन में एक इसका ज़्यादातर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी कह सकते हैं। इसमें ये होता है कि सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द सॉल्यूट पार्टीशन partitioning between the stationary liquid phase and mobile liquid phase. Substances which are more soluble in mobile phase will pass rapidly through the system. Mobile phase जो हम use कर रहे हैं उसमें, जैसे कि मैं पहले बताया कि mobile phase में जो ज़्यादा soluble होगा compound वो जल्दी बाहर निकल लेगा, और जो soluble कम होगा वो later देर से निकलेगा। ये दो टाइप का होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एक होता है नॉर्मल फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और एक होता है रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो नॉर्मल फेज पार्टीशन कोफिशिएंट पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होगा उसका जो स्टेशनरी फेज होता है वो मोर पोलर होता है,
और इस वाले केस में रिवर्स फेज में नॉन पोलर होता है। यदि पोलर है, मोर पोलर है स्टेशनरी फेज, जब कोई कंपाउंड मान के लिए यदि ये हमने जो तैयार किया ये यदि ज़्यादा पोलर है, तो यदि पोलर कंपाउंड आएगा तो ये पोलर पोलर इंटरेक्शन हो गए, नॉन पोलर पहले जाएगा जब पोलर बाद में जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि ये बेड जो है नॉन पोलर रहा तो उसको रिवर्स फेज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कर देंगे, और उसमें ये होगा कि पोलर पहले निकलेगा नॉन पोलर बाद में निकलेगा, जैसे कि रिवर्स फेज एचपीएलसी में हम देखने को मिलता है। तो ये दोनों आपके टाइप्स थे पार्टीशन कोफिशियंट के। फिर उसके बाद एक क्रोमेटोग्राफी है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी जो होता है साइज के बेसिस पे होता है कि बेड तैयार हो गया, उसमें जब सिलिका जेल या जो भी आप पॉलीक्रिलामाइड या डेक्सट्रान या एग्रोज एक्ट जो भी आप इसमें फिल्ड करते हैं, बेड तैयार करते हैं कॉलम का, उसके में एक पोर बनता है, और पोर से आपका कंपाउंड के साइज के बेसिस में जो जितना छोटा साइज होगा उस पोर से जल्दी निकलेगा, वो आपको जल्दी एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, और जो ज्यादा बड़ा होगा वो बाद में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये भी दो टाइप का है, परमिएशन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी जनरली यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, वाइल जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यूज एक्वस। हाँ, तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज किया जाता है जो एक तरह से मोबाइल फेज में, और इसमें जो है एक्वस सॉल्यूशन यूज किया जाता है जेल फिल्ट्रेशन में। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो है ये आपके नाम से ही रखता है ना कि एक दूसरे के प्रति जो एफिनिटी होगी, जैसे इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ते हैं एलिजम एफिनिटी बेसिस जो टेक्निक है कि एक दूसरे का, जैसे एक हम बेड तैयार किए, बेड में हम ऐसा एक पोर या एक तरह से एफिनिटी इसका है कि एक पर्टिकुलर टाइप के ही कंपाउंड को बाइंड करेगा, बाकी को इलूट कर देगा। मान के चलिए यदि हमें पहले से पता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया है कि टारगेट प्रोटीन हमारा है, हमें इसको आइसोलेट करना है, तो हम जो बेड तैयार करेंगे तो ऐसे उसमें एक्सेप्टर रहेगा कि इसी को ही एक्सेप्ट करे, बाकी को ये रिटार्ड कर दे। तो अब जैसे ही देखिए चलाते हैं तो ये तो बाइंड कर लिया ये प्रोटीन टारगेट, बाकी सारा निकल रहा है। बाद में हम एक दूसरा जो अपना इसको तोड़ने के लिए, इससे निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए हम दूसरा सॉल्वेंट साल्ट का यूज करते हैं, दूसरे साल्ट का यूज करके फिर हम अपना टारगेट प्रोटीन जो है वो आइसोलेट कर लेते हैं। तो इस टाइप के जो टेक्निक है उसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये प्रोटीन के केस में ज़्यादा यूज किया जाता है। द ऑपरेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप, चूज ऑफ ए एप्रोप्रिएट लिगेंड, इमोबिलाइजेशन ऑफ लिगेंड टू सपोर्टिव मैट्रिक्स, बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट विथ द लिगेंड, रिमूवल ऑफ नॉन स्पेसिफिक बाउंड मॉलिक्यूल, इलूशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट इन ए प्यूरिफाइड फॉर्म, चूज ऑफ लिगेंड, स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, साइज, एफिनिटी, ये सब सारा क्राइटेरिया ध्यान देना होता है एफिनिटी में। अब हम बात कर रहे हैं ये एचपीएलसी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, हाई प्रेशर भी कहते हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और ये जो है ये काफ़ी महंगा इंस्ट्रूमेंट भी होता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन और पार्टीशन में हम दोनों तरीके से ले सकते हैं। हाई प्रेशर ही बोलते हैं इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को, और ये जो है क्या है कि एक तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी ही है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, और एचपीएलसी लिक्विड टेक्निक एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड। इसमें जो मोबाइल फेज हम लेते हैं लिक्विड है, ये ओवरऑल इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इसमें मान के चलिए ये कॉलम है, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम ऊपर से आपको मोबाइल फेज देते थे, तो यहाँ पे मोबाइल फेज ऊपर रहता है और ये सॉल्वेंट आता है और एचपीएलसी कॉलम के थ्रू ये बाहर निकलता है। वहाँ पे एचपीएलसी में हमें बनाया बनाया कॉलम मिलता है, जबकि कॉलम क्रोमेटोग्राफी सील का या पॉलीक्रिलामाइड या डिफरेंट डिफरेंट जो है आपका मैट्रिक्स जो उससे हम बनाते हैं बेड तैयार करते हैं कॉलम का, लेकिन एचपीएलसी में बना बनाया रहता है। और इसमें हम सॉल्वेंट जो रहता है, चाहे तो आज पहले तो था इंजेक्टर होता था, हम इसमें अपना सिंपल इंजेक्ट करते थे यहाँ पे और सॉल्वेंट फिर इसको ले जाता था और इस कॉलम के थ्रू, और ये कॉलम ये रिवर्स फेज भी हो सकता है और ये होता है कि नॉर्मल फेज का भी हो सकता है। जो रिवर्स फेज ज़्यादातर यूज होता है, रिवर्स फेज में ये कहने का मतलब है कि कॉलम जो होगा वो नॉन पोलर बेड होगा, इसमें तो पोलर तो जल्दी निकलेगा, ये नॉन पोलर लेट से निकलेगा, और ज़्यादातर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं इसमें पोलर,
ठीक है। और फिर आपका एक फ्रैक्शन आ जाता है, फ्रैक्शन से पहले ये जब क्रॉस होता रहता है तो एक डिटेक्टर वीर बताया, वो बता देता है ये पीक आपका ये है, और इसमें यदि आप एक स्टैंडर्ड कंपाउंड जिसका पहले से पता हो कि ये कंपाउंड कौन सा है तो उस केस में उसको भी हम चलाते हैं और आपका कंपाउंड का कंपेरिजन करके हम बता देते हैं कि इतना रिटेंशन टाइम पे प्योर कंपाउंड ये था और इतने ही रिटेंशन टाइम पे आपके ये पीक जो आ रहा है आपके सैंपल में वो हो सकता है कि ये वही हो, ठीक है। तो फिर आगे इसको फ्रैक्शन को कलेक्ट कर लिया जाता है, इस फ्रैक्शन में यदि मान के चलिए 2-3 पीक है तो इसको बार बार चलाते हैं और जब तक एक पीक ना आ जाए उसको फिर फर्दर करेक्टराइज कर लेते हैं, TLC चला लेते हैं। तो ये आपका HPLC है, HPLC में इसका टेम्परेचर फिक्स करना होता है। ये जैसे इंजेक्टर जो है मैनुअली पहले होता था, आजकल जो था ऑटो सैंपलर भी आता है, ठीक है। फ्रैक्शन कलेक्टर भी आने लगा है, फ्रैक्शन कलेक्टर भी रहता है, ये आपके HPLC है। उसके बाद हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जो होता है आपको नाम से ही पता है, आयन एक्सचेंज चार्ज काउ सेपरेशन, चार्ज बेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल या एटम हम उस कंपाउंड को या मॉलिक्यूल को आइसोलेट करते हैं। इट इम्प्लॉयज फॉर द सेपरेशन चार्ज मॉलिक्यूल। तो जैसे कि ये बेड है, इस बेड में जो है पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यदि कोई निगेटिव रहा ये पॉजिटिव से इंटरेक्शन कर लेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन वो पहले निकलेगा। तो इसी बेसिस पे आप देख सकते हैं कि निगेटिव को पकड़ लिया है और पॉजिटिव पहले निकल आया है। और यदि हमें पता है कि हमारा टारगेट अमीनो एसिड यदि पॉजिटिव है या निगेटिव है तो हम उस हिसाब से अपना बेड तैयार करेंगे। मान के चलिए यदि आपका एस्पार्टिक एसिड को आइसोलेट करना है और उस पर निगेटिव चार्ज है तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे निगेटिव लगा लें या कुछ भी लगाओ, यदि मान के चलो पॉजिटिव भी लगाओगे तो निगेटिव से बैठ बाकी से हट जाएगा आपका निगेटिव को, फिर बाद में आप साल्ट कंसनट्रेशन वेरी करके आप इसको आइसोलेट करो। तो ये सब टेक्निक है और इस टाइप से ये भी दो टाइप का होता है, कैटायन एक्सचेंजर और एनायन एक्सचेंजर। ये ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक एक्सचेंजर इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कैटायन को जो सेपरेट करेगा कैटायन एक्सचेंजर होगा, एनायन को जो एक्सचेंज करेगा वो एनायन एक्सचेंजर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस जो होता है आपके मोबाइल फेज की तरह यूज होता है, और गैस में ज़्यादातर इनर्ट गैस यूज करते हैं, हीलियम नाइट्रोजन ये सब यूज होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी सैंपल इंजेक्टर होता है, ऑटो सैंपलर रहता है ये भी, और ये सैंपल आपका उठाता है इंजेक्ट कर देता है और यहाँ से मोबाइल फेज आया उस सैंपल को कॉलम के थ्रू पास कराता है, फिर इसमें आपका डिटेक्टर रहता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये आपका कौन सा कंपाउंड है, आपको पिक दे देता है। अब गैस क्रोमेटोग्राफी में मास भी लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं GCMS। जैसे ये कंपाउंड आपको ये जो डिटेक्ट होता है उसको ये बता देता है कि ये कंपाउंड आपका ये है। ज्यादातर गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो वोलेटाइल कंपाउंड को ही आइडेंटिफाई कर पाता है, इसीलिए वोलेटाइल कंपाउंड के लिए ही ये गैस क्रोमेटोग्राफी है। और गैस क्रोमेटोग्राफी जो है यू एनालाइज द वोलेटाइल, उसके बाद बोलता है गैस क्रोमेटोग्राफी ओनली टाइप दैट नॉट यूटिलाइज मोबाइल फेज फॉर इंटरेक्टिंग विद द एनालाइट। इसका जो मोबाइल फेज होता है बोलते हैं कि इंटरेक्ट नहीं करता है, ये ओनली गैस क्रोमेटोग्राफी जो होता है ओनली टाइप ऑफ एक ही टाइप का ही ऐसा है जो मोबाइल फेज से इंटरेक्शन नहीं करता, ठीक है। और कई टाइप के होते हैं जो हमने यहाँ पे चर्चा नहीं किया, जैसे थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, डाई लिगेंड क्रोमेटोग्राफी है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमेटोग्राफी है, स्यूडो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी को आजकल एक और जुड़ गया है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर क्रिटिकल फ्लूइड की तरह काम करता है, जिससे ये आपको ज़्यादातर नॉन पोलर कंपाउंड को आइसोलेट करता है, लेकिन जब आपको पोलर कंपाउंड भी चाहिए होता है तो उसमें मॉडिफायर ऐड कर देते हैं, चाहे मिथेनॉल या इथेनॉल, फिर आपको पोलर कंपाउंड भी देखने को मिलता है। और वैसे देखिए गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस लिक्विड गैस सॉलिड हो सकता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंजर एक्सक्लूजन पार्टीशन और लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्प्शन, इसी में पार्टीशन कोफिशियंट में आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो था लिक्विड सॉलिड एब्जॉर्प्शन का टेक्निक आ गया। और क्रोमेटोग्राफी को और यदि देखें तो एब्जॉर्प्शन है, पार्टीशन है, जो पार्टीशन है उसमें आपका देखिए एक कॉम्पिटिशन बिटवीन द लिक्विड एंड लिक्विड का है, तो कॉलम पेपर थिन लेयर हो सकता है, कॉम्पिटिशन बिटवीन द लिक्विड एंड गैस तो ये गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो ये सब डिफरेंट क्लासिफिकेशन थे, बहुत
कि हम कोशिश किए हैं कि ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी को बताने का। धन्यवाद धन्यवाद, मेरा तो क्या ही इनका धन्यवाद करना चाहिए हमें, टी स्वेट का, जिन्होंने इस मामले में, ये पहले जो पढ़ते थे मैथमेटिशियन थे, फिजिशियन थे, लेकिन बाद में बायोलॉजी, लेकिन अपने इंडिया में जो है, यदि आपको बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में एक धर्रे में ढलना पड़ेगा, दूसरा फील्ड में आप नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपना फील्ड कई बार चेंज करते रहते हैं, उनमें से एक ये भी थे, फादर ऑफ क्रोमेटोग्राफी। धन्यवाद देखने के लिए। आगे इस वीडियो में हमारा जो है, जो आपका क्रोमेटोग्राफी के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस की हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।